भगवान श्री कृष्ण जयंती शोभा यात्रा समिति द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में जयंती के अध्यक्ष ने बताया कि हर वर्ष की भांति शहर में निकाली जा रही श्री कृष्ण शोभा यात्रा इस बार भी बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर गोपाल आश्रम तक जाकर समाप्त होगी। हर वर्ष की भांति शहर में निकाली जा रही श्री कृष्ण शोभा यात्रा इस वर्ष भी जन्माष्टमी के पर्व पर नगर में बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर गोपाल आश्रम तक पहुंचेगी। नगर में जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष भूरी सिंह यादव का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा इस साल बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में बाहर से आए बैंड, काली अखाड़े, घुड़सवार और झांकियां शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र रहेंगी। बैठ जाओ दादा, बैठ। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की शोभा यात्रा हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं धार्मिक व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि शोभा यात्रा में आकर के सभी लोग सम्मिलित हों, जिससे शोभा यात्रा की शोभा बढ़े। मैं समझता हूं हर वर्ष की बात राधा कृष्ण मंदिर से लेकर के घंटाघर, गंज का चौराया, सेंट्रल टाकी चौराया, बर्फखाना चौराया होते हुए गोपाल आश्रम तक ये शोभा यात्रा जान निकलती है और इस शोभा यात्रा में सभी लोग अपना सहयोग करते हैं और ये शोभा यात्रा के माध्यम से हम धर्म के प्रति सभी को जागरूक करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जी की शोभा यात्रा है, इसमें लगभग इस वर्ष 2 दर्जन से अधिक झांकियाँ और वो भी धार्मिक झांकियाँ श्री कृष्ण जी के ऊपर ही आधारित होती हैं, उनको निकाला जाएगा। करीब 0.5 दर्जन से ज़्यादा बैंड हैं, बाहर से भी बैंड बुलाए गए हैं। तमाम तरीके के इसमें आयोजन होंगे और उसके बाद ये शोभा यात्रा निकल करके जब गोपाल आश्रम पर समापन होगा, समापन के बाद जब शोभा यात्रा निकल जाएगी, उसके बाद हम लोग उन बच्चों को जो बच्चे झांकियों में सज के पूरे शहर को ये दिखाते हैं कि वाकई में भगवान श्री कृष्ण ने किस किस रूप में अपनी लीलाएं दिखाई थी, उस प्रकार के उन बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, जिससे आने वाले समय में और भी बच्चे उत्साह होकर के इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हों और शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं।